मैं विकल्प। और आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ एक घटी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब हम तीन दोस्त, मैं, मेरा दोस्त कमल और मेरा दोस्त संदीप, हम तीनों एक ट्रिप पे गए थे। ट्रिप बहुत मज़ेदार थी। चार दिन हमने बहुत अच्छे से बिताए और ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम लोग तीनों अपने घर के लिए निकल पड़े थे। बीच में जाम था, बारिश हो रही थी, तो सही समय पे हम अपने घर नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक शहर में जाकर जब करीब रात के 1:30 बज गए थे, तो हमने सोचा कि यार अब रात हो गई है, सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, अब क्यों ना थोड़ी देर के लिए रुककर आराम कर लिया जाए, थोड़ी देर किसी होटल में सो जाएंगे और सुबह उठते ही अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीनों का ही फैसला था कि हाँ अब थोड़ी देर रुक जाते हैं, रात में ज़्यादा देर ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, सुबह सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। पर हमें पता नहीं था कि उस शहर में होटल मिलते कहाँ हैं। एक आदमी वहाँ पे जा रहा था, तो हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे होटल कहाँ मिलेंगे। तो उसका जवाब था कि अगर आपको होटल लेना है तो आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ। और हमने पूछा रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो उसने बोला कि थोड़ा सा दूर है। हमने पूछा कि कहीं आसपास में कोई होटल नहीं है, आसपास ही हो तो कोई बता दो यार, इतनी दूर जाने से बच जाएंगे। तो उसने बोला भैया एक होटल है तो, पर मैं आपको वहाँ पर जाने की इजाज़त दूंगा नहीं, वो होटल ठीक नहीं है। हमने बोला कि यार बस हमें रात बितानी है। हमारे दिमाग में आया कि उसने बोला अगर ठीक नहीं है तो हो सकता है वो अच्छा ना हो, वहाँ की सर्विस अच्छी ना हो, लेकिन हमें तो बस रात बितानी थी, बस एक बेड मिल जाए जहाँ पे तीनों सो सकें। हमने बोला कि तुम बता दो, हम देख लेंगे। उसने हमें एक पता बता दिया और हम तीनों उस पते पे चल पड़े। वो थोड़ा सा ही पास में था, एक जगह जा रही थी जहाँ पे जंगल की शुरुआत हो रही थी और वो होटल उसी जंगल के आसपास था। थोड़ी दूर आगे चले तो हमें वो होटल दिख गया। हमने अपनी गाड़ी रोकी और तीनों उतरे और उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन पे देखा तो कोई था नहीं। हमने आवाज़ें मारी तो एक लड़का होटल के बाहर से ही आया। हमने पूछा कि तुम ही हो यहाँ पे, तो उसने बोला कि हाँ भैया मैं ही हूँ, बताए। हमने बोला कि एक रूम चाहिए रात के लिए, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम तीनों को एक ही रूम चाहिए और रूम ऐसा देना जिसमें बेड बड़ा हो, जिस पे तीनों आराम से लेट सकें। तो उसने हमें एक रूम दिखाया और बोला कि भैया 400 रुपये इसका चार्ज है, आप तीनों इसमें रुक जाइए। रूम ठीक था, बेड काफ़ी बड़ा था जिस पे हम तीनों आराम से लेट सकें, और हमने वो रूम बुक कर लिया। चौंकने वाली बात यह थी कि उस होटल में हमारे अलावा कोई नहीं था, और हमारे को लगा कि शायद यार इतनी अलग जगह है, यहाँ पे कौन ही आता होगा, बस हम ही आ गए और हमें भी बस यहाँ पे रात ही रुकना है। तो बस हम तीनों अपने कमरे में गए, अपना सामान रखा और जाते ही बेड पे लेट गए। दोस्तों थकान इतनी ज़्यादा थी कि लेटते ही नींद आ गई। आग लग चुकी थी, लेकिन करीब आधा घंटा या 40 मिनट बाद मेरी एक आवाज़ सुनकर अचानक आँख खुल गई। दरअसल मैं बेड पे लेटा ही हुआ था कि मेरे को एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और वो बहुत साफ मुझे सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरी आँख खुल गई। यकीन करें वो चिल्लाने की आवाज़ बहुत भयानक थी। मैं जब उठ के बैठा तो मैं देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। मैंने अपने बाकी दोनों दोस्तों को देखा तो वो तो लेटे हुए थे, तो फिर सोचा कि यार आसपास जंगल है, पता नहीं कहाँ से कैसी आवाज़ आ रही होगी, मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और सो जाना चाहिए दोबारा से। मैं दोबारा से अपने बेड पर लेट गया और थोड़ी देर में फिर से मेरी आँख लग गई। लेकिन करीब दोस्तों फिर से 20 से 25 मिनट बाद मेरी आँख खुली, और इस बार भी आँख खुलने की वजह थी एक भयानक चीख। और दोस्तों इस बार चीख पहले की तरह काफ़ी दूर से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा था मानो जैसे हमारे बगल वाले कमरे में से ही कोई है जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। और वो चीख जब मैंने सुनी तो मैं उठकर बैठ गया, वो बहुत तेज़ थी। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त कमल भी उठकर एकदम से बैठ गया। उसने भी वो चीख सुनी और वो भी चीख सुनकर ही उठकर बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने बोला कि तूने सुना? कमल ने बोला हाँ यार मैंने भी सुना, ये कौन था? कि तभी जब मैंने देखा बेड पे तो संदीप नहीं था। हम दोनों घबरा गए कि संदीप कहाँ चला गया। मैंने आवाज़ मारी संदीप संदीप तू कहाँ है, लेकिन संदीप का कोई जवाब नहीं। तो देखा कि कमरे का गेट हल्का खुला हुआ था, हम तीनों कमरे का गेट लॉक करके सोए थे अंदर से, लेकिन अब गेट खुला हुआ है इसका मतलब संदीप बाहर है। हम दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया कि ये चीख संदीप की तो नहीं। हम दोनों बेड से उतरे और तुरंत गेट खोलकर बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो देखा संदीप दूसरी तरफ से वापस आ रहा था। हमने उसे देखा और बोला कि तू बाहर क्या कर रहा है? उसने बोला यार पता नहीं मेरी अचानक से नींद खुल गई तो मैं बाहर की तरफ आ गया। हम दोनों ने उससे एक साथ बोला कि तूने चीख की आवाज़ सुनी अभी किसी की, बहुत तेज़ आई थी? तो संदीप बोला नहीं यार मैंने तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, कैसी आवाज़ की बात कर रहे हो तुम लोग? हम दोनों ने बोला कि यार हम दोनों को साफ इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई किसी की, मानो जैसे कोई बगल वाले कमरे में ही लेटा हो। लेकिन संदीप ने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, तुम दोनों चलो अंदर और लेट जाओ, मैं भी आ रहा हूँ।
हम दोनों को समझ नहीं आया, जब हम दोनों को ये आवाज़ सुनाई दी तो संदीप को क्यों नहीं सुनाई दी। लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचकर वापस हम तीनों कमरे में आ गए और अपने अपनी जगह पर लेट गए। उसके बाद थोड़ा समय लगा लेकिन मेरी दोबारा आँख लग गई और हम तीनों दोबारा से सो चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद मेरी बीच बीच में अचानक से अपने आप ही आँख खुल रही थी। ऐसी एक बार जब मेरी बीच में आँख खुली तो मैंने देखा कि संदीप हम दोनों के बीच में लेटा हुआ था, कमल और मेरे, लेकिन वो उठ के बैठा हुआ था, वो लेटा हुआ नहीं था। मैंने उससे बोला कि क्या हुआ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या है, और मैं उधर मुँह करके दोबारा से लेट गया। कुछ समय बाद जब फिर से आँख खुली तो देखा कि अब संदीप बेड पर है ही नहीं। मैं उठकर देखने लगा कि ये कहाँ गया यार, अब तो सामने वाली चेयर पर वो बैठा हुआ था और उसका मुँह होटल की दीवार की तरफ था। मैं उसे बोलने लगा कि क्या कर रहा है भाई, सोना नहीं है क्या तुझे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि यार पता नहीं तुझे क्या हो गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने, और मैं दोबारा से सोने के लिए चला गया। सुबह जब मैं और कमल उठे तो संदीप पहले से उठा हुआ था। हमसे कहने लगा कि भाई चलो, लेट हो गया, कितनी देर तक सो गए। मैंने उसे बोला कि तू सोया नहीं। संदीप ने बोला कि मैं सो गया था यार, अब मुझे नींद नहीं आ रही। हमने तीनों ने फिर फैसला किया कि चलो अब घर के लिए निकलते हैं। होटल से चेकआउट किया और घर के लिए आ गए। मैंने पहले संदीप को उसके घर ड्रॉप किया, फिर कमल को, और वापस अपने घर आ गया। एकदम सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगले ही दिन संदीप की मम्मी का मेरे पास कॉल आया और वो बोलने लगी कि बेटा संदीप की तबीयत खराब हो गई है, ये जब तुम वहाँ से आए हो तब से ही खराब थी या अभी कुछ हुआ है। मैंने कहा नहीं आंटी, हमारे साथ तो जब था तो एकदम ठीक था। वो कहने लगी कि बेटा पता नहीं इसे क्या हो गया, अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं आंटी, मैं आता हूँ एक बार। मैं संदीप के घर पहुँचा तो देखा कि संदीप कमरे में बैठा हुआ है और वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठा है। मैं संदीप के पास गया और मैंने पूछा कि संदीप क्या हुआ। उसने मेरे को देख के बोला कि भाई आ बैठना, खड़ा क्यों है, इधर बैठ और वो देख सामने देख, वो इंसान कैसी हरकतें कर रहा है। मैंने संदीप से बोला तो किसके बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा बैठ तो सही। मैं उसके साथ नीचे ज़मीन पे बैठ गया और वो मेरे से कह रहा था कि सामने दीवार पे देखने के लिए कि वहाँ पे कोई है जो अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने सामने दीवार पे देखा तो दीवार पे कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने संदीप की तरफ ध्यान से देखा तो उसकी आँखें लाल। मैं उसको करीब 5 से 10 मिनट तक लगातार देखता रहा, लेकिन दोस्तों इतने समय में संदीप ने एक भी बार अपनी पलक नहीं झपकाई, वो लगातार दीवार की तरफ देखे जा रहा था। मैं उठा और मैं संदीप की मम्मी के पास गया। मैंने बोला आंटी से क्या हो गया, वो बोली पता नहीं बेटा सुबह से ऐसी हरकतें कर रहा है। मैंने कहा आंटी एक बार इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, क्या पता कोई बीमारी ना। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और कुछ दवाइयाँ दी, शायद नींद की गोलियाँ या फिर कुछ और दवाइयाँ, जिससे संदीप के दिमाग को थोड़ा आराम मिले। डॉक्टर के पास से आने के बाद संदीप अपने घर गया और मैं अपने घर आ गया। मैं तो इसी उम्मीद में था कि अब थोड़ा आराम पड़ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद जब संदीप की मम्मी का मेरे पास दोबारा कॉल आया तो वो घबराती हुई आवाज़ में मुझसे बोली कि बेटा इसकी तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है, पता नहीं है कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। मैं संदीप के घर दोबारा गया। मैं जब संदीप के घर पहुंचा तो मैंने उसकी मम्मी से दोबारा बात करी। मैंने बोला आंटी क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि बेटा पहले तो बस बैठा रहता था, लेकिन अब कल से ही है दीवार पे अपने हाथों से नोचता रहता है, खरोंचता रहता है दीवार को, अपने हाथों पे जख्म बना लिए, पता नहीं क्या है, कुछ भी पूछो इससे क्या कर रहा है तो बोलता बस मुझे देखने दो, चुप रहो मुझे देखने दो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, किसी से कुछ बात नहीं करता। मैं उसके पास गया तो देखा संदीप सच में ऐसी हरकतें कर रहा था, दीवार पर खरोंच खरोंच के उसने निशान बना दिए थे और उसकी उंगलियों पे जख्म बन गए थे, उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे। मैंने संदीप का हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि संदीप खड़ा हो यहाँ से यार, ये कैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन संदीप ने पलट कर मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा और मेरा हाथ हटा कर मुझे इतनी ज़ोर से पीछे फेंक के मारा कि मैं 3-4 कदम पीछे जाके ज़ोर से नीचे गिरा। इतनी ताकत संदीप में आई कहाँ से। मैं उठा और मैंने आंटी से बोला कि आंटी बात कुछ और है, मेरी सलाह माने तो आप किसी बाबा या पंडित वगैरह को दिखाएं, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी बात सुनकर संदीप की मम्मी ने, उनके एक रिश्तेदारी में एक बाबा थे, उनसे बात करी और उन्हें घर पे बुलाया। वो घर पे आए, उन्होंने संदीप को देखा और उससे कुछ बात करने की कोशिश करी, लेकिन संदीप का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन बाबा ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने पहले तो अपने घर से कुछ सामान मंगाया, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ सामान लेके आए नहीं थे। उन्होंने अपने सामान में से कुछ पीले रंग की चीज़ निकाली, मुझे पता नहीं वो क्या थी, और वो उस पीले रंग से उन्होंने संदीप के चारों ओर एक घेरा बना दिया और उसके बाद उसी के बगल में बैठ के वो कुछ मंत्र से अपने मन में पढ़ने लगे। और कुछ देर बाद हम सब ने देखा कि संदीप का शरीर एकदम से अकड़ने लगा।
उसके हाथ पैर अपने आप पकड़ने लगे और वो गुस्से भरी नजरों से उन बाबा को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाबा उठ के हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि आपके लड़के के ऊपर ऊपरी चक्कर है, किसी प्रेत आत्मा के वश में है आपका लड़का। ये बात सुनकर सब लोग डर गए। हमने बाबा से बोला कि बाबा आप क्या करें। उन्होंने बोला पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि वो आत्मा इसके अंदर आई कहाँ से, कैसे, क्या इसने किया जो उसके अंदर आई। तो बाबा ने फिर उसी वक्त संदीप के बगल में बैठकर कुछ मंत्र का उपचार दोबारा से करना शुरू किया और उनके हाथ में कुछ था, वो चावल जैसी दिखने वाली चीज़, लेकिन वो चावल नहीं थी। उसका एक एक दाना वो हर मंत्र पूरा करने के बाद संदीप के ऊपर फेंकते और वो काफ़ी देर तक यही सब करते रहे। काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उसके बाद बाबा ने कुछ सवाल करने शुरू करे। ऐसा लगा जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। उनके सवाल ऐसे थे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, लेकिन उनको जवाब मिल रहा था वो हमें सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे बस वही आपस में बात कर रहे हैं। करीब एक डेढ़ घंटे बाद वो उठ के हमारे पास वापस आए और उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी होटल से आई है। ये बात सुनते ही मैं चौंक गया। उसके बाद मैंने सबको बताया कि जिस होटल में हम रुके थे ना, ये वहाँ पे भी ऐसी हरकतें कर रहा था। ये दीवार के सामने मुंह करके बैठ जाता था और किसी से कुछ बोलता नहीं था। वहाँ पे भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो बाबा ने बोला कि ज़रूर वो आत्मा उसी होटल से इसके पीछे पड़ी है। तो हमने बोला कि अब क्या करना है। बाबा ने बोला कि उस आत्मा को मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, हमें इसको उस होटल में लेकर जाना होगा और मैं वहीं कुछ करूँगा। हमने अगले दिन सुबह का प्लान किया कि संदीप को उस होटल में वापस से लेकर जाएंगे। अगले दिन संदीप के पापा, मम्मी, मैं, संदीप और वो बाबा, हम पांचों लोग उस होटल में गए। रिसेप्शन पे अभी वो लड़का नहीं था, बुलाने पे वो आया। और जब हमने उससे पूछा कि इस होटल में ऐसा कुछ है, उसके बाद उस लड़के ने डरी हुई आवाज़ में हमसे बोला कि हाँ भैया इसमें ऐसा कुछ है। तो हमने उससे पूछा कि तूने हमें बताया क्यों नहीं। उसने बोला भैया यहाँ के मालिक ने मुझे बताने के लिए मना किया है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, इसीलिए तो मैं इस होटल के अंदर नहीं रुकता। उसके बाद हमने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और उस कमरे में गए जिस कमरे में हम रुके थे। संदीप को बैठाया, बाबा अंदर गए और हमें कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। कमरे के गेट पे एक पतला सा धागा बांध दिया और कहा कि आप कमरे के अंदर मत आइएगा, हो सकता है ये हमला करें। बाबा ने फिर से संदीप को एक जगह बैठा दिया और वो दोबारा से उस दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। उसके चारों तरफ फिर से एक पीले रंग का घेरा बना दिया और बाबा वहाँ बैठ कर फिर से मंत्र पढ़ने लगे। हमारे सामने उसका शरीर फिर से अकड़ना शुरू हुआ। वो थोड़ी देर बाद उठकर कमरे में इधर से उधर भागने लगा। वो भागता हुआ हमारी तरफ भी आता, लेकिन उस धागे की वजह से वो तोड़कर बाहर नहीं आ पाता। कभी वो इस तरफ जाता तो कभी उस तरफ, कभी तो ऐसा लगता जैसे वो बाबा पे हमला कर देगा, लेकिन वो बाबा पे हमला कर नहीं पाता। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने हमारी रूह कपा दी। संदीप दीवार पर इस तरीके से चढ़ रहा था, अपने हाथों और पैरों की मदद से, मानो जैसे कोई छिपकली अपने हाथ और पैरों से दीवार पर चढ़ती है। बिना किसी सहारे के खड़ी दीवार पे संदीप इस तरीके से चढ़ रहा था। यही नहीं, ऊपर चढ़ने के बाद दीवार पर वो उल्टा लटक गया। ऐसी हरकतें देख किसका कलेजा नहीं कांपेगा। हम सबकी हालत ख़राब थी। डेढ़ घंटे तक यही सब संदीप करता रहा। वो कोशिश कर रहा था कि वहाँ से किसी तरह भागूं, लेकिन वो भाग नहीं पाया और फिर अचानक से वो नीचे ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। उसी वक्त बाबा ने उसके हाथ पर एक धागा बांधा और उसके मुँह के अंदर कुछ पानी जैसी चीज़, जो मुझे गंगा जल लग रही थी, वो डाली। और उसी वक्त बाबा ने बोला कि इसको यहाँ से लेकर बाहर जाओ, इसे ज़्यादा देर इस होटल में रुकने मत देना। हम उसी वक्त संदीप को उठाया और गाड़ी में बैठा कर ले गए। जब गाड़ी में बैठे तो बाबा ने बताया कि अब उस आत्मा को मैंने इसके शरीर से निकाल दिया है, वो वापस से अब उस होटल में ही चली गई है, अब इसके शरीर में ऐसी कोई ताकत मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर संदीप नॉर्मल हो गया, उसने फिर ऐसी कोई हरकतें करनी शुरू नहीं की। लेकिन हमने उस होटल के मालिक का पता लगाने की कोशिश करी। हमने बहुत पता किया, लेकिन वो मालिक के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया। उस लड़के ने भी हमें ये बताया था कि वो महीने दो महीने में सिर्फ एक बार आता है। उसके बाद से संदीप नॉर्मल रहा, उसको फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये था कि जितने समय तक के लिए संदीप इन सारी चीज़ों में घिरा हुआ था, उसने सबका हलक सुखा दिया था। वो तो सही समय रहते संदीप बच गया, नहीं तो ना जाने वो आत्मा संदीप के शरीर से और क्या क्या करवाती। अब तो नहीं पता, लेकिन शायद वो होटल अब भी चल रहा है। वो भूतिया होटल आज भी उसी जगह पर है और ना जाने संदीप जैसे कितने लोग और भी उस आत्मा का शिकार बने होंगे।
दोस्तों यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए और कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।